सहसवान में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे किसान नेता राकेश शिकैत का भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। फूलमालाओं से लदे टिकैत ने किसानों की समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। राकेश शिकैत ने कहा कि गेहूं की बुआई का समय चल रहा है और डीएपी की किल्लत ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उन्होंने प्रशासन पर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। टिकैत ने कहा है कि सरकारी डिपो पर डीएपी उपलब्ध नहीं है, जबकि निजी दुकानों पर इसे मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की नाकामी और निजी दुकानदारों की लूट पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसान नेता ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या बन रही है। केंद्र सरकार को इस पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए और इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। संभल में हाल ही में हुए उपद्रव और जामा मस्जिद का सर्वे के सवाल पर टिकैत ने कहा कि सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। सर्वे के बाद जो भी हकदार होगा उसे न्याय मिलना चाहिए। संभल बवाद पर उन्होंने उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, प्रशासन को सख्ती से इन दंगाइयों से निपटना चाहिए। लेकिन यह जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं सरकार। बीएपी की बड़ी समस्या है, बुआई चल रही है अब सब जगह लेकिन नहीं मिल रही। बिजली की समस्या है बड़ी, उसका समाधान नहीं हो रहा। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, जो भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला जो वादे किए थे उसको सरकार खरी उतरे। किसान की फसलों का दाम है नहीं, किसान कर्जा ले रहा, उसकी जमीन नीलाम हो रही। यहाँ बदायूं में भी ये पता चला कि किसानों की जमीन नीलाम करी जा रही है। हम दोनों को चेतावनी दे रहे, जमीन लेने वाले को भी और जमीन की नीलामी करने वालों को भी, ना हम किसान की जमीन नीलाम होने देंगे और खरीदार को ना हम कब्जा लेने देंगे। ये पूर्व कर्जा माफी का सवाल है हमारा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, जमीन नीलाम नहीं होगी और भी फसलों के दाम का आलू का सवाल यहाँ पर रहेगा। दूसरे जो फसलें हैं धान का आप लगा लो उसके रेट नहीं मिलते, गेहूं का हाल यही है। तो यहाँ के अधिकारी भी, यहाँ की सरकार भी हमारे मुद्दे किसान मजदूर के हैं, आदिवासी के हैं, हम लड़ाई अपनी लड़ते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में डीएपी खाद की खेती जा रही है। और ऐसा देखा जाता है हर साल जब गेहूं की बुवाई का समय आता है तब डीएपी की किल्लत किसानों को होती है और लंबी लंबी कतारें लगती है और डीएपी मिल नहीं पाती, तो किसान ने इसके लिए क्या कदम उठाए? देखो डीएपी है सरकार के पेट में, अधिकारी के पेट में और व्यापारी के पेट में। डीएपी दुकान में, व्यापारी की दुकान में मिलेगी, जो ब्लैक करता आया पकड़ा जाए उसको पकड़ लो, ठीक है। और इस बीमारी से भाई दूर रहना चाहिए। डीएपी पहला आज से 40 साल पहले का डीएपी थी, हमारे बाप दादा ने बिना डीएपी के खेती करी। आने वाले टाइम पे समस्या बढ़ेगी, अपनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलना पड़ेगा हमको। भाई हम लागत लगाकर फसलों के दाम नहीं मिलते तो इसको थोड़ी सी कम कर लो, पैदावार कम हो जाएगी तो इससे भी पन्ना झुकेगा, अपने नेचुरल उसको आना पड़ेगा, इसका यही समाधान है।